सफेद बाघ हमेशा से मनुष्य की उत्सुकता एवं आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सामान्यतः सफेद बाघ को एल्बाइनो या फिर बाघ की ही एक अलग प्रजाति समझा जाता है, जो कि गलत है। सफेद बाघ एक उत्परिवर्ती जीन का परिणाम है। बाघ का सफेद रंग का होना इसी आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण है, जिसे हम अंग्रेजी में ल्यूसिज्म कहते हैं। सफेद रंग की वजह से इन बाघों का जंगल में छुपना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनके प्राकृतिक परिवेश में जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। सफेद बाघों के इतिहास की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में स्थित रीवा के जंगलों से। सन 1951 में इन्हीं जंगलों में रीवा रियासत के महाराज मारतंड सिंह ने शिकार के दौरान एक बाघ के सफेद शावक को पकड़ा था। उस शावक को गोविंद वगड़ के महल में पाला गया और महाराज ने उसका नाम रखा मोहन। कुछ वर्षों पश्चात मोहन बाघ की हम उम्र एक सामान्य रंग की बाघिन को उन्हीं जंगलों से पकड़ा गया और उसको नाम दिया गया बेगम। फिर उसके उपरांत दोनों बाघों को प्रजनन हेतु साथ रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1953 से 1956 के दौरान बेगम ने 10 शावकों को जन्म दिया, परंतु इनमें से कोई भी सफेद रंग का नहीं था। इसके बाद मोहन को बेगम की बेटी राधा से मिलवाया गया, जिसका जन्म 1955 में हुआ था। राधा ने 30 अक्टूबर सन 1959 को 4 शावकों को जन्म दिया। यही वह दिन था जिस दिन बंदी अवस्था में 4 सफेद बाघों ने जन्म लिया। काफी लोग ये मानते हैं कि सारे सफेद बाघ उन्हीं बाघों के अंतः प्रजनन का परिणाम है, लेकिन यह बिल्कुल असत्य है। वर्तमान में काफी तादाद में ऐसे स्वस्थ सफेद बाघ हैं, जिनकी उत्पत्ति बिल्कुल अलग पूर्वजों से हुई है। कई ऐसे केंद्र हैं जो असंबंधित जीन का प्रयोग करके सफेद बाघों के आनुवंशिकी में विभिन्नता को लाते हैं। इस आनुवंशिकी विभिन्नता की वजह से सफेद बाघों की पीढ़ियों का स्वास्थ्य मजबूत होता चला आया है। सफेद बाघ एवं सामान्य बाघों के रहन सहन, खान पान, प्रजनन एवं गर्भावधि में कोई अंतर नहीं होता है। इनकी औसत आयु भी सामान्य बाघ जैसी 15 से 20 वर्ष होती है। वर्तमान में सारे सफेद बाघ विभिन्न प्राणी उद्यानों में हैं। फिलहाल के वर्षों में जंगल में किसी भी सफेद बाघ का कोई नामोनिशान नहीं मिला है। दिल्ली के चिड़ियाघर यानी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 2 सफेद बाघ राजा एवं रानी सर्वप्रथम सन 1963 में रीवा के महाराजा की भेंट स्वरूप आए थे। आगे के वर्षों में रानी ने 2 शावकों को जन्म दिया, जिनके नाम टीपू और कुकु रखे गए। तभी से दिल्ली चिड़ियाघर सफेद बाघों के प्रजनन में भाग लेता रहा है और पशु विनिमय के तहत देश के कई चिड़ियाघरों जिनमें मैसूर, हैदराबाद एवं पटना प्रमुख हैं, और विदेश के चिड़ियाघर जिनमें ब्रिस्टल जू, लंदन, ओसाका एवं हंगरी को सफेद बाघ प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में दिल्ली चिड़ियाघर में 5 सफेद बाघ हैं, जिनमें 3 नर एवं 2 मादा हैं।